आइए नंबर सिस्टम पे हम लोग बात कर रहे हैं, नंबर सिस्टम के स्ट्रीच पे बात कर रहे हैं हम लोग। इस पे क्या बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी इसके पहले बताया था आपको कि वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारे नंबर्स होते हैं कंप्यूटर के, वो क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितना उसका बेस होता है और कितने डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे, कन्वर्जन। हम लोग नंबर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, नंबर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और नंबर सिस्टम पे हम लोग क्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, अब हम लोग क्या देख कर स्टार्ट किए हैं, कन्वर्जन स्टार्ट किए हैं। कन्वर्जन पहला क्या देखेंगे, पहला हम लोग जो कन्वर्जन देखेंगे वो देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। सबसे आसान होता है, सबसे इंटरेस्टिंग भी होता है, ये सबसे आसान है और ये सबसे इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि अपने साथ एक कलम और कॉपी को लेके चलिए, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी और मुझे समझाने में भी आसानी होगी ना। क्योंकि क्या होता है, जब आप लिखेंगे तो आपका ब्रेन जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा। ऐसे तो फिर क्या हो रहा है, वीडियो चल रहा है, सो के देख रहे हैं ना। तो थोड़ा सा अपने साथ एक कलम रखने की कोशिश, जब भी हम लोग मैथ्स के किसी भी टर्न पे बात करें, किसी भी कॉन्सेप्ट पे बात करें, तो थोड़ा सा अपने साथ एक कलम और कॉपी को रखने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं, डेसिमल को हम लोग कन्वर्ट कैसे में करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। चलिए सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, बड़ा प्यारा नंबर होता है 51। 51 लिया मैंने, और 51 क्या है, ये डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसका बेस कितना है, 10 है। और वो ये क्योंकि ये वन उन नंबर 51 ये उन नंबर पे बेस्ड है जो हमारा 0 से लेकर के 9 तक पे था, ठीक है। तो हमारा इसका बेस कितना है, 10 है। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जिसका बेस कितना होता है, 2 होता है, जिसका बेस कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अब हमने क्या करेंगे। यहाँ पे एक बात मेरी समझ लीजिए, अगर इस बात को अगर आप समझ लीजिए, तो इसके बाद किसी भी नंबर को जब आपको डेसिमल से कन्वर्ट करना होगा, मीन्स क्या, अगर या तो आपको डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना हो, या डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्ट करना हो, या आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना हो, तीनों में एक कॉमन रूल होता है। रूल वो होता है कि उस डेसिमल नंबर को आपको जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से डिवाइड करना है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, इस डेसिमल नंबर को, इस नंबर को आपको जिसमें कन्वर्ट करना है, मीन्स अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे, अगर आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना तो आप 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए देखते हैं। 51 है हमारा, 51 को मुझे किससे डिवाइड करना है, जल्दी बोलिए, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे। 2 को हम लोग 25 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर। क्योंकि आपको पता होगा मैथमेटिक्स में आपको गुरुजी ने ये पढ़ाया था, आपको पिछली क्लास में सिखाया गया है कि जो हमारा रिमाइंडर होता है जिससे हम डिवाइड करते, या तो उससे कम होगा या तो 0 होगा। मीन्स 2 का रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 0 होगा, इसके अलावा कुछ और ही नहीं सकता है। तो हमारा रिमाइंडर आया 1। फिर से हम लोग इसी को करते हैं, 2 को कितने टाइम्स जाएगा ये, 4, ये जाएगा हमारा, जाएगा ये 12 टाइम्स जाएगा, 12 दूनी 24 होता है, 12 + 4 = 24 होता है, और यहाँ हमारा फिर से क्या रिमाइंडर होगा, 1 होगा। फिर 2 से करते हैं, 2 6 = 12 होता है, और यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं हमें। 2 से करते हैं, 2 3 = 6 और रिमाइंडर 0। फिर 2 से करते हैं, 2 1 = 2 और रिमाइंडर क्या होगा, हमारा 1 होगा। देखिए इसलिए रिमाइंडर लिखते हैं ना, क्योंकि जो हमारा जो आने वाला नंबर वो रिमाइंडर बेस्ड पे आने वाला है। यहाँ पे क्या होता है, वो रिमाइंडर बेस्ड पे ही होता है, जितने भी कन्वर्जन है, जितने भी कन्वर्जन, चाहे वो डेसिमल का बाइनरी में हो, चाहे डेसिमल का ऑक्टल में हो, चाहे डेसिमल का हेक्साडेसिमल में हो, तीनों जो कन्वर्जन होते हैं डेसिमल नंबर के, किस पे होते हैं, रिमाइंडर बेस पे होते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर बात समझ, ठीक है। और दूसरी बात, जो आप रिमाइंडर को फाइंड आउट करते हैं, वो क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, हमने एरो बनाया है, देखिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, बाइनरी नंबर वो जो होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 फिर से 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 और फिर 1, और बेस इसका क्या लगाएंगे, 2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें लिखना हो 51 का बेस 10 इज इक्वल्स टू 11001 बेस 2। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। अगर समझ में आ गई तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ,
ठीक है, वैसे समझ में आ गई, बड़ा आसान टाइप है ये, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं। और मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इससे भी मज़ेदार है, इससे भी अच्छी संख्या होगी आपके सामने, इससे भी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ये अगला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो करेंगे, एक हमारे पास शुभ संख्या होती है जिसको मैं अक्सर अपने चैप्टर्स में लेके इंक्लूड करता हूँ, और इसी बहाने हमारे जुबान पे हमारे गॉड का भी नाम आता है। वो हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट 214 बेस टू 10। ये समझ रहे हैं ना 214 क्या होता है, 214 इनटू बाइनरी नंबर। क्या करना है हमें, 214 को किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, बाइनरी बेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, फिर से अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी, मतलब जिसका बेस क्या हो, 2 हो, ठीक। तो हम लोगों ने तरीका सीख लिया, हमने क्या सीखा है कि किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे, फटाफट करेंगे, तुरंत करेंगे, और आइए मेरे साथ करेंगे, ठीक है। यहीं पे करते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी, बल्कि हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं, थोड़ा सा हम लोग एक लाइन में कर पाएंगे आराम से, 3-4 स्टेप्स में हो जाएगा आराम से, 2 से डिवाइड करेंगे, और जैसे जैसे डिवाइड करेंगे हमारे रिमाइंडर्स आएंगे, उस रिमाइंडर्स के बेस पे हमें उसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया कि जितने भी नंबर्स कन्वर्जन होता है किस पे होता है, रिमाइंडर बेस पे होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, 214 था जिसका बेस 10 था, कन्वर्ट किस में करना था, बाइनरी में कन्वर्ट करना जिसका बेस 2 होता है। तो ये देखते हैं 214 है किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है। सबको पता होगा 2 का टेबल, तो सबको आता होगा, 2 1 2, और ये कितना है देखिए 107, क्योंकि 14 था 0 आएगा नीचे, और 7 2 14 होता है, तो 107 दूनी 214 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर से इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे तो 5 है, लेकिन 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 यहाँ पे क्या होगा, 3 2 6, और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। फिर 2 से करेंगे, फिर 2 2 4 होता है, और यहाँ पे 13 है, तो 2 26 2 होता है 52 होता है, यहाँ हमारा फिर 1 रिमाइंडर बचेगा। आगे देखते हैं, फिर 2 से करते हैं, तो 13 2 26 होता है, हमारा रिमाइंडर 0 होगा। फिर 2 से करेंगे, 2 6 12, और 1 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। फिर 2 से करते हैं, 2 3 6, और यहाँ पे 0 रिमाइंडर। फिर 2 से करते हैं, 2 1 2, और रिमाइंडर 1। ये हमारी सीरीज, मैंने आपसे क्या बताया था कि नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं, तो हमारा यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, नीचे से चलिए फटाफट लिखिए, 1 फिर 1 0 1, देखिए 1 1 0 1, फिर 0, फिर 1 और 1। सबसे आसान, सबसे मज़ेदार तरीका है हमारा डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करने में, जो हमारा नंबर का था 2 से डिवाइड करना होता है। ये बात समझ में आ गई। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, अब आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, फटाफट करिए, वैसे मैं भी करूँगा, मेरे साथ में करना आपको, ये अंतिम क्वेश्चन होगा, इसके बाद तुरंत हम लोग बाइनरी से डेसिमल पे आएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी से डेसिमल पे आएंगे। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा, आपके समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। हाँ, अगर नहीं समझ में आया है तो उसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना सबसे आसान तरीका होता है। सबसे आसान तरीका यही है कि किसी भी डेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो। एक क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन चूंकि एग्जाम चला था इसलिए हम लोग उसको करेंगे। 786 को डिवाइड कन्वर्ट करेंगे हम लोग, जो क्या होती है इस्लाम धर्म में बड़ी शुभ संख्या, 786 बेस टू दिस की 10 है, डेसिमल है, किसमें कन्वर्ट करना, बाइनरी में कन्वर्ट करना, 2। थोड़ा सा बड़ा होगा, लेंदी हो, लेकिन परेशान नहीं होना, आराम से हम लोग करेंगे, ठीक है। सबको टेबल्स आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं भाई, चलिए किसमें किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 786 है हमारे पास, 786 किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आइए करते हैं, 786 से 2 से डिवाइड करते हैं। अब बताइए यहाँ पे 2 का पारा सबको आता है कि नहीं आता है, 2 3 1, रिमाइंडर यहाँ पे 9, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, 18 हो गया, तो फिर लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे ना, कितने टाइम्स जाएगा, 196 टाइम्स जाएगा, और हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा,
अब ये नहीं कि सर कि फिर से कैसे करें, तो फिर आपका टाइम लगेगा, क्योंकि करना क्या, यहाँ पे देखिए 2 1 2 होता है, एक रिमाइंडर यहाँ पे 19 हो गया, तो 2 9 18 और 1 बचा यहाँ पे 13, तो जब 13 यहाँ पे है तो 6 2 12 होता है और यहाँ पे 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। सेम काम लोग यहाँ पे करेंगे, अब तो 196 आ गया, तो 196 क्या होता है 98 2 जा होता है 196 और हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 करेंगे, 2 4 जा 8 और 1 रिमाइंडर यहाँ पे 49, फिर हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर हम लोग 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 हमारा कितना बचेगा रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 12 2 जा 24 तो हमारा क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। फिर 2 से करेंगे, 6 जा होता है 2 6 जा 12 0। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 होता है और यहाँ पे 0 होगा। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और यहाँ पे रिमाइंडर 1। और इस प्रकार हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0। इतना ही आया आपका, इसको मिला लीजिएगा 1 1 0 0 1 0 0 और 1 0 आ गया। अगर ये अगर आपने कर लिया तो आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, ठीक है, कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा डेसिमल से बाइनरी में उसे आप कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम लोग मूव करेंगे बाइनरी टू डेसिमल की तरफ।